हिंदू वही होता है जिसके दिल में एक हिम्मत होती है चुनौती देने की, चुनौती स्वीकार करने की, लड़ाई लड़ने की और लड़ाई जीतने की हिम्मत जिसमें दिल जिसके दिल में होती है वही इस देश पर राज करेगा। आज भी मैं उनको चुनौती देता हूं, हिम्मत है तो चुनाव ले लो, वो चाहे लोकसभा के ले लो, चाहे विधानसभा के ले लो, या हमारे महापालिका की ले लो, या सब मिलकर साथ में ले लो, चलो हम तैयार है। कहां से शुरुआत करूं, हिंदी मरे करूं, मराठी मरे करूं, कसं काय म्हणता, काय म्हणताय, बरं आहे ना, सब ठीक आहे ना, सब ठीक बा ना? भाषा कोणती असू देत, जैसे अभी अभी संजय जी ने कहा, भाषा कुछ भी होने तो दिल मिलने चाहिए और जो भी बात होनी चाहिए वो मन की नहीं दिल की होनी चाहिए। जब दिल मिल जाते हैं तो सब कुछ रास्ता आगे का रास्ता है वो आसान हो जाता है। मंजिल तय होनी चाहिए, कहां जाना चाहिए। आवश्यकता नहीं है कि हम एक दूसरे का परिचय करा दे। मैं तो मानता हूं कि अब हिंदी बोलने की मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मुझे पक्का भरोसा है मेरे हिंदी से आपकी मराठी ज्यादा अच्छी होगी, कारण पीढ़ियान पीढ़िया तुम्हें इतने रहता रहेगा। अनेक प्रश्न हमारे मन में है, आपके मन में है, खास कर जो शुरुआत हो गई आज सुबह से, उद्धव ठाकरे उत्तर भारतीयांचा मेळावा घेणार, हा मेळावा नाही आहे, बैठक आहे। मेळावा घेणार तो तर त्याला मैदान अपुरं पडेल, लेकिन मैं उस रिश्ते को फिर से जोड़ने के लिए, और सिर्फ जोड़ने के लिए नहीं, मजबूत करने के लिए आया हूं। मेरी पहचान क्या है, मैं कौन हूं, मैं किसका पुत्र हूं? हिंदू हृदय सम्राट बालासाहेब ठाकरे जी का मैं पुत्र हूं, हिंदू हृदय सम्राट। हिंदू अगर हम मानते हैं, एक दूसरे को हिंदू मानते हैं, तो उत्तर भारतीय मराठी अलग नहीं होने चाहिए। आणि मग मी असं म्हणेन की नेमकं उत्तर भारतीय वेगळं म्हणण्यापेक्षा आता भारतीयांना उत्तर पाहिजे, हिंदुत्व म्हणजे काय। पूरे भारत, पूरा देश समजना चाहता है कि आपका हिंदुत्व है क्या। एक दूसरे का द्वेष करना ये हिंदुत्व नहीं है। अगर मैं आज आपके सामने आया हूं, आपके बीच में आया हूं, जो हमेशा मैं रहना चाहता हूं, तो उसमें मैंने गलती क्या कर रहा हूं? मैं हमने 25-30 साल एक गठबंधन था हमारा, वो जो दोस्ती थी, राजनीतिक दोस्ती थी, हमने निभाई, क्या मिला हमें? 25-30 साल हमने जिस पार्टी का एक अपनापन था, हमारे बीच में एक अपनापन था, क्या था? हिंदुत्व। वो जब ऊपर जाके बैठ गए तो उनको लगा अभी इनकी जरूरत नहीं है, छोड़ दो सेना, शिवसेना को छोड़ दो, अकाली को छोड़ दो, जितने सारे लोगों ने हमें मंजिल तक पहुंचाया अब इनकी क्या आवश्यकता है। रास्ता तो कठिन था वो जमाना, आज भी आपको याद होगा दुबे जी, उस वक्त आप विधायक होंगे, रमेश जी तुम्हें तेव वकील होता, 90-95 के पहले की बात थी, जब शिवसेना और भारतीय जनता पक्ष की युति हो गई, वो जमाना अगर, वो दिन अगर हम याद करें तो हम शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी हमारे देश के राजनीति में हम अछूत थे, कोई भी हमें साथ देने के लिए तैयार नहीं था। हाथ में हाथ मिलाने की तो बात छोड़ो, साथ में बगल में आकर खड़े होने की कोई हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि यह सांप्रदायिक है, यह सांप्रदायिक है। उस वक्त मतलब जब बुरे दिन थे तो मेरे पिताजी ने, आज जो प्रधानमंत्री जी है, उनको बचाया था, यह बात तो सच है। उस वक्त अटल जी थे, प्रधानमंत्री थे, और वो निकले थे राजधर्म का पालन करना ही चाहिए, अगर वो राजधर्म का पालन करते तो आज के दिन जो बैठे वो वहां नहीं बैठते। लेकिन बाला साहब ने परवाह नहीं की, बाला साहब ने बोल दिया सीधा, क्योंकि उस वक्त की वो जरूरत थी। और कभी भी मुझे एक भी लफ्ज या एक भी शब्द या एक भी वाक्य बाला साहब का ऐसे निकल के मुझे मेरे सामने रखो कि हम हिंदू हैं मतलब सिर्फ मराठी है, हिंदी लोगों के जितने हिंदी भाषी के उनका द्वेष करो, हम हिंदू हैं मतलब चलो हम और आप एक हैं, और जितने मुस्लिम हैं उनका द्वेष करो, नहीं, कभी भी ऐसे उन्होंने बात नहीं की। जो भी हमारे देश के द्रोही है वो मजहब से कोई भी कुछ भी होने दो, अगर वो भले हिंदू भी हो लेकिन हमारा देश का द्रोही है तो उसको सजा तो मिलनी ही चाहिए, ये बाला साहब की सोचते हैं और ये हमारा हिंदुत्व है।
तो इस हिंदुत्व का हम कैसे छोड़ सकते हैं? आज जो बात चली है, हमने युति तोड़ी क्योंकि उन्होंने पहली युति तोड़ी 2014 में, तब भी हम हिंदू थे, आज भी हम हिंदू हैं, कल भी हम हिंदू रहेंगे, लेकिन हमने सिर्फ उनका साथ छोड़ा, हमने हिंदुत्व नहीं छोड़ा। बीजेपी मतलब हिंदुत्व नहीं है, वो उनका जो हिंदुत्व आप जो चला रहे हैं वो हिंदुत्व मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। कभी भी कुछ भी वो दिल में आए वो कहते जाते हैं और हमें उनको मानना पड़ता है। एक दूसरे के बीच में लड़ाई लड़ाते रहो और उनका जो हेतु है उस तरफ हम अनदेखी करें, ये हमारा हिंदुत्व नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। आज भी उन्होंने एक वो आज जैसे संजय जी ने कहा कि अच्छा मुहूर्त है, और कैसे देखो संयोग की बात ऐसी होती है कि उस वक्त छत्रपति शिवाजी महाराज जी का राज्याभिषेक करने के लिए उत्तर भारत से काशी से गागा भट्ट आए थे। आज हम उत्तर भारतीयों के बीच में आ रहे हैं तो शिवाजी महाराज जी का अपमान करने वाले को वापस कुरियर से पार्सल वापस जा रहे हैं अमेजॉन से। तो ये जो राजनीति है जिसकी बात मैं करने आया हूं, मैं मराठी एक म्हण है कि ताकल जोन भांड कशाल लपवा, कळलं ना तुम्हाला? म्हणजे जो भी आपका मन आपके मन में जो हेतु है वो खुलेआम मैं कह रहा हूं कि हाँ आपका साथ चाहिए मुझे, आपकी साथ चाहिए मुझे, क्या उसमें गलत क्या मैं कर रहा हूं? हमने अगर गठबंधन था वो तोड़ दिया और कांग्रेस के साथ मुझे मतलब हमें मजबूर किया गया कि जाओ इनके साथ जाओ, अगर नहीं हमारे साथ आना है तो गले में पट्टा, जैसे आज कुछ हमारे लोग गले में पट्टा बांधकर गए, ऐसे ये हिंदुत्व नहीं है हमारा। गळ्यात पट्टा घालून कोणाची तरी गुलामगिरी करणं हे मला शिवसेना प्रमुखांनी कधी शिकवलेलं नाही आणि ते मी करणार नाही, कधीच करणार नाही। लेकिन अगर मैं कांग्रेस के साथ जा रहा हूं या गया हूं महाविकास आघाड़ी मैंने की तो मैंने हिंदुत्व तो छोड़ा। आज मैं आपके साथ बात कर रहा हूं तो कुछ लोग बोलेंगे कि अभी देखो ये उत्तर भारतीयों के पीछे पड़े, हाँ ठीक है, लेकिन कल परसों आकर मोदी जी अपनी रोटी सेक कर गए। कहा रोटी सेकी उन्होंने? किसके किचन में? वो आए ना फोटो। अगर ये मैं करता तो शिवसेना उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व छोड़ा, लेकिन मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री, वो मैं उस कम्युनिटी के खिलाफ नहीं हूं, बोरा कम्युनिटी के लोग आज हमारे साथ भी हैं, अच्छे लोग हैं, लेकिन मैं अगर उनका अच्छा कहता हूं तो बोलेंगे हिंदुत्व छोड़ दिया, और मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री उनके किचन में जाकर रोटी सेकते हैं तो देखो कितने उनका हृदय कितना विशाल है, उनका हृदय विशाल है और मेरा क्या है। तो ये देखने का जो तरीका है ना वो बदलना चाहिए, जैसे चश्मा चश्मेदीन गवाह है ना, कल के रोटी सेकने के लिए चपाती लाटताना से चश्मेदीन गवाह कहीं आए त्यांनी फोटो पण काढले, लेकिन वो करे तो सब माफ है और हम करे तो नहीं नहीं ये तो अपराध है, आप उत्तर भारतीयों के बीच में नहीं जाना चाहिए, आप यहां नहीं जाना चाहिए। अरे कौन हो आप, कौन होते हो हमें बताने वाले हमें क्या करना चाहिए? हम करेंगे जो हमारे दिल में है, और दिल में हमेशा सबके लिए अच्छा ही करना है ये हमारी भावना होती है। आज तक अगर आप देखें तो दो बार ऐसे वक्त आया था, कठिन समय था और उस वक्त हमारे शिवसैनिक रस्ते पर उतरे थे, एक 92-93 का एक माहौल था, तो हमने मराठी गैर मराठी नहीं किया था। और फिर जब मैं चीफ मिनिस्टर था तो कोरोना का संकट आया, पूरा विश्व छा गया था, एक कठिन समय था, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए कुछ भी सामने रास्ता नहीं था, आज भी नहीं है, अंधेरा ही अंधेरा था, लेकिन मैंने मेरा कर्तव्य निभाया। मैंने हिंदू मुस्लिम कभी भेद नहीं किया, मराठी अमराठी कभी भेद नहीं किया। हमारे शिवसैनिक जब भी एम्बुलेंस हो, रक्तदान हो, रक्तदान करते हैं, हम कहां देखने के लिए जाते हैं? रक्त हमारा खून किसके बदन में जाने वाले, मराठी के शरीर में जा रहे हैं कि गैर मराठी के भी जा रहे हैं, हिंदुओं के जा रहे हैं कि मुस्लिम के जा रहे हैं? नहीं, इंसानियत है और वो हम काम करते हैं। आज हम इकट्ठा आए हैं, मेरी एक दुख की भावना में अभी बताऊंगा क्यों। हम 5 साल इकट्ठा रहते हैं, हमारी शाखाएं आज मेरे विधायक यहां बैठे हैं, सुभाष देसाई जी है, संजय राउत है, प्रियंका जी है, सुनील प्रभु है, सगळे इतर वेळेला शाखेमध्ये तुम्ही सगळे लोक येता, उत्तर भारतीय हो, गुजराती हो, मुस्लिम भी है, सब लोग हैं, आते हैं। 5 साल हम इकट्ठा रहते हैं, चुनाव के वक्त क्यों अलग हो जाते हैं? ये जो इनकी राजनीति है
तोड़ो फोड़ो और राजनीति करो, राज करो, ये अंग्रेजों की नीति है। पहले हिंदुत्व हिंदुत्व कराए, मैं हिंदू मध्य मराठी अमराठी कराए, मग पुनः मराठी में तोड़फोड़ कराएगी, उत्तर भारतीय मध्य तोड़फोड़ कराएगी, मैं एक दुसर से लड़वट ठेवायचं। हम घोड़े पे बैठे रहेंगे, तुम्हें घोड़े लात खा, पण हम घोड़े पे बैठेंगे, आप खाओ उसकी घोड़े की लात जो है मारा। पण आता घोड़ेवरती बसल्यानंतर जसे का उद्या परवाकडे होणार होता काऊ हक डे, वैसे पता नहीं घोड़े को भी मीठी मारने के लिए करेंगे। ये कौन सा हिंदुत्व क्या है? देश इस नीति से हम चलाना चाहते हैं क्या? है हमारा सपना क्या है? मैं कुछ अपना आपका आपकी भावना भड़काने के लिए नहीं आया हूं, लेकिन आपकी आंखें खोलने के लिए आया हूं। आंखें खोलकर देखो क्या चल रहा है। यही हमारा सपना था क्या? यही हमारा हिंदुत्व है जो आज चल रहा है? इसमें मुझे डर इस बात का है कि जिस तरीके से, जिस रास्ते से ये हमें लेना लेके जाना चाहते हैं, अगर हम उस तरीके से जाएंगे, उस दिशा में जाएंगे, तो अपने देश की बदनामी होगी, हमारी प्रतिमा खराब हो जाएगी और हमारा हिंदुत्व का नुकसान इतना होगा कि बाद में हमें, मैं हिंदू हूं उस वक्त बोलने के लिए डर था, अगर इनका कारोबार चलते रहेगा तो शर्म आने लगेगी कि मैं हिंदू हूं। उस वक्त तो सब डरते थे और उस वक्त मेरे पिताजी अकेले थे जिन्होंने नारा बुलंद किया था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। तो मेरे पिताजी थे, ये कहा इनके इनमें इतनी हिम्मत कब आई थी? अगर राम मंदिर की भी बात करें तो राम मंदिर का जो विषय था वो ठंडे बस्ते में पड़ा था कि नहीं था? और उस वक्त हमने पहले ऐलान किया था कि चाहे तो स्पेशल कानून बनाओ, लेकिन राम मंदिर का जो मुद्दा है वो सॉल्व करो। नहीं थी हिम्मत, और मैं कोई चीफ मिनिस्टर नहीं था, लेकिन एक फिर से संयोग की बात मैं कहता हूं कि 2018 के दसरा रैली में मैंने कहा कि मैं राम अयोध्या में जा रहा हूं, और मैं गया नवंबर में, मैं वहां गया 2018 में, मेरे सारे लोग थे, संजय जी थे, सारे थे अयोध्या में। हम गए और वहां कुठली नदी थी अपनी, सरयू नदी, वहां आरती भी की। और संयोग की बात मैं यही कहना चाहता था कि नवंबर 2018 में मैं रामलला के दर्शन के लिए वहां गया। रमेश जी उस वक्त का मामला था अदालत में, कितने सालों से था पड़ा हुआ? सालों से। ये मेरी कुछ मेरे मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन मैं वहां जाकर आया, होकर आया, और जाते वक्त एक काम मैंने जरूर किया, अयोध्या जाने से पहले मैं शिवनेरी गया और वहां की एक मुट्ठी मिट्टी लेकर वहां गया, शिव जन्मभूमि की मिट्टी लेकर मैं राम जन्मभूमि गया था। और माने या ना माने, मानो या ना मानो, नवंबर 18 से लेकर नवंबर 19 राम मंदिर का भी फैसला हो गया, इतना ही नहीं मैं चीफ मिनिस्टर बन गया। आम्ही तर आपल्याच्या मध्ये आपण मराठी माणसं भेटल्यानंतर काय राम राम म्हणतो ना, आप कहते जय श्री राम, तो राम तो है, राम तो हमारे साथ ही है। हम भले राम राम कहते हैं, आप जय श्री राम कहते हैं, अगर बिहार की बात करें तो जय श्री राम बोलते हैं। और हम जो कहते मानते हैं कि अब तो चलो वो राम मंदिर का मुद्दा तो हो गया, अब आगे क्या करेंगे? हिंदुत्व, हिंदू जब सोए हुए थे तो मेरे पिताजी ने उनको नींद से उठाया, जिसका लाभ आज ये लोग ले रहे, लेकिन हिंदू उठ गए, नींद से नींद उठ गई, अब हिंदुओं को क्या करना चाहिए? कब तक हम लड़ते रहेंगे, किससे लड़ेंगे? और इसलिए मैंने कहा कि हमारा हिंदुत्व स्पष्ट है, जो मेरे पिताजी कहा करते थे कि राष्ट्रीयत्व है हमसे हिंदुत्व है, राष्ट्रीयत्व है हमसे हिंदुत्व है, और हमारा जो हिंदुत्व है वो दिल में हृदय में राम और हाथ को काम देने वाला हिंदुत्व है। प्रत्येक हाताला काम मिळालं पाहिजे, पण कामामध्ये एक श्रद्धा पाहिजे, कुठेतरी श्रद्धा पाहिजे, तर आमच्या हृदयात राम आहे। आमची संस्कृती, आमच्यावरती संस्कार हे असे आहेत की कोणावरही अन्याय करू नका, पण कोण जर अन्याय करत असेल तर तो सहन सुद्धा करू नका, अजिबात करू नका। आगे जाकर बहुत बड़ी बातें या लंबी चौड़ी बातें मैं कह भी सकता हूं, सारी बातें आज कहूं तो रमेश जी बैठे हैं, अब दूसरा भी दूसरी बैठक होने वाली है कुछ दिनों में, उसमें मैं क्या कहूंगा, लोग बोलेंगे आप वही बोलते जा रहे हैं मन की बात जैसी। तर ह्या सगळ्या गोष्टी, पण एका गोष्टीचा मला खरच आनंद है कि बऱ्याच वर्षांनंतर का होईना रमेश जी आप आहे, दुबे जी आप आहे, खूप सगळी लोक जी जुनी जुनी बाळासाहेबांच्या वेळेला येत होते ते परत यायला लागले, आणि ते म्हणायला लागले की उस वक्त हम साथ में थे, त्यावेळेला आपण एक हिंदुत्वाचा नारा दिला होता, आणि 95 के विधानसभा चुनाव में
मुझे लगता है 36 से 33 या 34 सीटें जीते थे। ये ताकत हिंदुओं की ताकत है। अब तो मैंने देखा है मुस्लिम लोग जो भी इस देश को अपना मानते हैं वो भी हमें साथ देते हैं, दे रहे, एकजुट होते हैं, एक चांगली एकजुट होते हैं। कारण आपल्याला आपल्या स्वप्नातला देश उभा करायचा आहे, माझ्या स्वप्नातला नाही, सर्वसामान्यांच्या स्वप्नातला देश, आणि तो काम ते करणं हे तुमचंच काम आहे। आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। नहीं, मैं पिछले हफ्ते किसके जैन लोगों के समारंभ में गया था और उन्होंने जो निवेदन करने वाला था वो आपके जैसा था, जोश वाला, और उन्होंने कहा कि उद्धव जी आप खून मांगेंगे तो हम खून भी दे देंगे। मैंने कहा भाई साहब खून देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वोट दे दो, बाकी काम देख लेंगे। खून लेके करूं क्या मैं सुभाष बाबू नहीं हूं कि आप मुझे खून दे दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, नहीं। लेकिन वो उस वक्त एक अलग माहौल था, आजादी दूर थी, अब तो आजाद हो गए हम, लेकिन आजादी को कायम रखने के लिए हमें साथ आना होगा। जर आपण आता एकत्र आलो नाही तर आपल्या डोळ्या देखत आपणच आपल्या देशामध्ये स्वकीयांकडनं गुलाम पुन्हा बनवले जाऊ, आणि ती गुलामगिरी नको असेल तर आपल्याला एकत्र यावंच लागेल, दुसरा पर्याय नाही, अजिबात नाहीये। आणि म्हणून मला असं वाटतं आप तो सुरुवात हुई है, ये पहिली बैठक है और दो चार बैठक मैं करने वाला हूं, लेकिन उसके बाद एक बड़ी जनसभा तो हमें करनी ही होगी, ज्याच्यामध्ये सगळे जे एका विचाराचे लोक आहेत, मग त्याच्यात माझी मराठी आहेत, तुम्ही आहात, गुजराती असतील, काही मुस्लिम असतील, काही ख्रिश्चन्स आहेत, ख्रिश्चन लोक आहेत, ते सांगतात साहब अभी हमें बस शिवसेना ही चाहिए। तुम्ही जे काय कोरोना काळात केलं ते एवढं मोठं काम आहे की हमें आपको वापस लाना है, ये उनकी भावना आहे, उनकी भावना आहे। आणि आता त्यांचा जो प्रचार सुरू झालेला आहे तो यही चल रहा है कि कोरोना में जो कुछ अब तक चुनाव लेने की हिम्मत नहीं है, उनमें चुनाव लेने की हिम्मत नहीं है। अगर आज भी मैं उनको चुनौती देता हूं, हिम्मत है तो चुनाव ले लो, वो चाहे लोकसभा के ले लो, चाहे विधानसभा के ले लो, या हमारे महापालिका की ले लो, या सब मिलकर साथ में ले लो, चलो हम तैयार है हिम्मत तो आ जाओ, मैदान में आते हैं। तो हिम्मत तो नहीं है, और हिम्मत नहीं है और अपने आप को हिंदू का नेता मानते हैं, ऐसे कैसे होगा? हिंदू वही होता है जिसके दिल में एक हिम्मत होती है चुनौती देने की, चुनौती स्वीकार करने की, लड़ाई लड़ने की और लड़ाई जीतने की हिम्मत जिसके दिल में होती है वही इस देश पर राज करेगा, वही इस देश पर राज करेगा। और इसलिए मैं ज्यादा लंबी बात नहीं कहना चाहता, हम मिलते रहेंगे, ये अपना शहर है, हम अगर शहर में इकट्ठा रहते हैं, साथ साथ रहते हैं, तो कुछ साल पहले मैंने एक शुरुआत की थी, एक अभियान की, आप भूले होंगे शायद, मी मुंबई कर, उसके बारे में भी बहुत सारी अफवाहें फैलाई गई, गलत फहमियां कर दी गई, और आज भी मुझे मालूम है कि अगर मैं हिंदुओं के साथ बात कर रहा हूं तो बोल देंगे कि मराठी को छोड़कर हिंदी लोगों के साथ गए, नहीं, मराठी तो हमारे अपने हैं ही, आप भी हैं, लेकिन साथ मिलकर हमें देश को बचाना है। हम अगर एक दूसरे के हम अलग अलग ऐसी दीवारें खड़ी कर रहेंगे तो हमारे ऊपर राज करने वाले उसका गलत फायदा ले लेंगे और हम सबको गुलाम बनाएंगे, और हमें जो आजादी मिली है उस आजादी को कायम रखने के लिए हमें एक साथ रहना ही होगा, और हमारी एकता यही हमारी आजादी का एक संरक्षक कवच है। और इसलिए मैं चाहता हूं कि जो बीच में एक रुकावट आई थी या बीच में कुछ गलत फहमी हुई थी उसको दूर कर हमें हम आज से हाथ में हाथ मिलाकर आगे बढ़ाएंगे। सबको मैं धन्यवाद देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।